ये कहते हैं कि हम गाने नहीं सुनते हैं, म्यूज़िक से मुकम्मल तौर पे इज्तिनाब भी करते हैं, लेकिन अब ये चाइनीज़ और कोरियन लैंग्वेज सीख रहे हैं। ये कहते हैं कि हमारा टीचर जो है, बाद औक़ात हमें कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं चाइनीज़ के अंदर जिनमें से हर एक वर्ड के कई कई मीनिंग्स निकलते हैं, तो वो हमें कुछ गाने सुनने को देते हैं विद म्यूज़िक होते हैं कि आप ये सुनें, उनमें उन अल्फाज का मानी के साथ इस्तेमाल होता है, उससे हमें समझने में बहुत आसानी होती है। तो क्या हम ऐसी सूरत में ये म्यूज़िक सुन सकते हैं? क्योंकि मकसूद असल में म्यूज़िक नहीं है, मकसूद असल में लैंग्वेज सीखना है। देखिए, इसमें हम ये मशवरा देते हैं कि सबसे पहले आप लैंग्वेज सीखने के मकसद पर निगाह रखें, क्यों सीख रहे हैं आप। अगर बाद अवकात लोग कहते हैं जी हम शौकी हैं, मुझे शौक़ है ज़बानें सीखने का, बहुत सारे लोग ज़बान एक ज़बान सीख ली, कुछ अबूर हासिल हुआ दूसरी सीखी, अगर शौकी ऐसा करना चाहते हैं तो फिर आप ये ना करें, फिर छोड़ दीजिए उसको कि खामखा, मतलब ये कि आपकी जब ज़रूरत में से नहीं है, एक शौक़ ही पूरा करना है, तो फिर म्यूज़िक और गाने वगैरह ये कतान मुनासिब नहीं है। लेकिन अगर वो लैंग्वेज आपकी ज़रूरत पे शामिल है इस तरीके से कि आगे आप उसको अपने ज़रिया आमदनी बनाना चाहते हैं, जैसे ट्रांसलेटर की जॉब होती है, या आगे चाइना इन्वेस्टमेंट कर रहा है पाकिस्तान में, तो आप ये चाहते हैं कि कुछ ऐसी मुझे अच्छी जॉब मिल जाए इस लैंग्वेज बेस पर, या आप बाहर जाके चाइना में या कोरिया में जाके जॉब करना चाहते हैं, लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो ये आपकी ज़रूरत या हाजत में आएगी। ऐसी सूरत में अगर आप अपने बातिन को महफूज रख सकते हैं कि म्यूज़िक गाने की तरफ तवज्जो ना हो, सिर्फ चीज़ सीखने की तरफ हो, तो इसकी गुंजाइश निकल जाएगी। जिसकी नज़ीर मैं अक्सर ऐसे ही पेश करता हूँ कि जो हमारे स्कूल्स में बच्चों को चीज़ें सिखाई जाती हैं, उनमें एक ड्राइंग भी है, देखें जानदारों की तस्वीर बच्चे बनाते हैं। बच्चे तो अभी शरई अहकाम के मुकल्लफ नहीं हैं, लेकिन शरई मसला ये है कि अगर बड़े बच्चों को ऐसे काम में मशगूल कर दें कि जो जायज़ काम ना हो, तो वबाल बड़ों पर होता है। जैसे फुकहा ने लिखा कि अगर छोटे बच्चे को, लड़के को सोने की अंगूठी पहनाई, तो वो तो मुकल्लफ नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को सोना इस्तेमाल करने से मना किया, लिहाजा इसके जो पेरेंट्स बड़े हैं जो उसको पहना रहे हैं वो गुनाहगार होंगे। इसका मतलब ये हुआ, अगर आप बच्चे को स्कूल में दाखिल करते हैं, वहाँ कोई म्यूज़िक होता है, वहाँ पर कोई ड्राइंग वगैरह बनानी होती है जानदारों की, तो आप गुनाहगार होंगे। लेकिन उसका यही जवाब दिया जाता है कि भाई ज़रूरत है, यहाँ पर बच्चे को कौन से स्कूल में दाखिल कराएं, हर जगह इस्लामी स्कूल है नहीं और हर जगह अच्छा माहौल नहीं है, मुश्किल होती है, इसलिए मजबूरन पढ़ाना होता है। जैसे वहाँ पर बअमरे मजबूरी इजाज़त दे दी जाती है, ऐसे यहाँ पर बअमरे मजबूरी इजाज़त होगी। एक ये बहन कहती हैं कि इनका बेटा बीमार हुआ, इन्होंने मन्नत मान ली यूँ कि मैं जो भी चीज़ शौक़ से खाती हूँ वो अब नहीं खाऊँगी, बस कभी भी मेरा बेटा ठीक हो जाए। वो कुछ कई साल हो गए, लड़का कुछ बेहतर हो गया है और उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया है, अच्छी चीज़ें नहीं खाती। अब दिल बार बार चाहता है अच्छी चीज़ें खाने का, क्या हुक्म शरा होगा। देखें, ऐसी भोली भाली तमाम बहनों से मेरी गुजारिश है, खुदारा जब तक आपने दीन ना सीखा हो, जब तक आपको पता ना हो कि कौन सी चीज़ किस काम आती है, शरीयत ने इजाज़त दी है नहीं दी है, आप क्यों खामखा ऐसे करते हैं? ये कहाँ लिखा है बताएं कुरान या हदीस में कि अल्लाह ने फरमाया कि हलाल चीज़ें अपने ऊपर नाजायज़ कर लो, अपने आप को रोक लो, तुम्हें फ़ायदे हासिल हो जाएंगे? कहीं पर भी नहीं है। ना ये कोई शरायन मन्नत थी, ना ही इसके इससे कोई बच्चे की सेहत के बेहतर होने या बिगड़ने का कोई ताल्लुक था। खामखा कनेक्शन मिलाकर आपने अपने पास से कर लिया, हो सकता है कोई आपको आप ही जैसा मुशीर भी मिल गया हो, उसने मशवरा दिया हो। बहरहाल ये बिल्कुल गलत है, इसको भूल जाएं, आप खाएं पिएं, कोई मसला नहीं है, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। एक भाई ने पूछा कि क्या गोल्ड के बने हुए बटन इस्तेमाल कर सकते हैं, इसी तरह चांदी के बटन का क्या हुक्म होगा? देखें, गोल्ड तो यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर जलवा अफरोज़ होकर एक हाथ में सोना, दूसरे हाथ में रेशम लिया और इरशाद फरमाया कि ये दोनों चीज़ें मेरी उम्मत के मर्दों पर दुनिया में हराम हैं। तो लिहाजा जब मुतलकन सोने को हराम करार दे दिया, तो किसी भी शक्ल में उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं होगा। बाकी रही चांदी, चांदी के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बतौर ज़ेवर सिर्फ़ एक अंगूठी की इजाज़त दी, वो भी 4.5 माशा से कम वज़न की हो। इसके अलावा चांदी को हराम नहीं किया, इसलिए इसकी गुंजाइश निकल सकती है कि चांदी के बटन इस्तेमाल कर लें, अगरचे ना करें तो ये ज़्यादा बेस्ट है कि अगर मुतलकन इसको चांदी को भी जेवर में ले लिया जाए और बटनों को भी चूंकि जीनत के लिए इस्तेमाल करते हैं उस हुक्म में ले लें। लेकिन बहरहाल इसका हुक्म उस तरह सोने की तरह नहीं होगा, क्योंकि वहाँ मुतलकन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके इस्तेमाल को मना किया। खुलासे कलाम ये है कि गोल्ड के बटन तो बिल्कुल यूज़ ना करें, चांदी के भी ना करें तो बेहतर है, लेकिन कोई करेगा तो उसका हुक्म सख्त नहीं होगा। एक ये कहते हैं कि गैर मुस्लिम से मछली ख़रीदना कैसा है, क्योंकि दीगर जानवरों में तो ज़िबह का मसला होता है, मछली में तो नहीं है, तो क्या हम गैर मुस्लिम से ख़रीद सकते हैं? तो जी बिल्कुल ख़रीद सकते हैं,
हमारे उर्फ में गोश्त का लफ्ज़ जो है वो दीगर जानवरों के गोश्त पर होता है, मछली के लिए गोश्त का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर कोई कहे कि 1 किलो गोश्त ला दें तो कोई भी मछली ख़रीद कर नहीं लाएगा, मुर्गी का गोश्त होगा, बकरे का होगा या गाय का गोश्त होगा। तो काफिर के लिए जो गोश्त है वो मना किया है, वो भी ज़िबह की वजह से, क्योंकि वो तकबीर नहीं पढ़ते हैं और उसमें दीगर मसाइल हो सकते हैं। लेकिन मछली में तो ज़िबह का मसला ही नहीं, ना इस पर गोश्त का इतलाक़ होता है, तो इसलिए इसको इस्तेमाल करने में या गैर मुस्लिम से लेने में कोई हर्ज नहीं है। एक ही कहते हैं कि बाज़ लोग फेसबुक पर अपनी पिक्चर वगैरह अपलोड करते हैं, उस पर बाज़ लोग लिख देते हैं भाई माशाल्लाह, तो पिक्चर पे माशाल्लाह कहना कैसा है? देखें, जो इसमें दो ग्रुप हैं, एक जो बड़ा मेजॉरिटी है वो ये कहते हैं कि डिजिटल कैमरे से जो भी पिक्चर ली जाती है, इसी तरीके से इंटरनेट वगैरह पे जो पिक्चर्स आप डालते हैं, ये सब जो हैं हकीकतन तस्वीर नहीं है, बल्कि ये डेटा है जो मतलब पिक्सल्स की शक्ल में होता है और फिर इसको मुतशक्कल करके एक पिक्चर बन जाती है, लेकिन हकीकतन तस्वीर है नहीं। इसीलिए आप खोल कर देख लें पूरा मोबाइल, आपको कहीं तस्वीर नज़र नहीं आएगी। उनके नज़दीक ये बिल्कुल जायज़ है, और जब पिक्चर डालना जायज़ है तो उस पर माशाल्लाह कहने में कोई मसला नहीं है। हाँ, वो लोग जो ये कहते हैं कि ये पिक्चर भी उसी तस्वीर के हुक्म में है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, तो पिक्चर को बनाना ये भी हराम और उसको लगाना ये भी हराम, उनके नज़दीक ये हो सकता है कि एक हराम चीज़ पर जो मकरूह तहरीमी है उस पर माशाल्लाह कहना कोई सख्त हुक्म लग सके तो अलग बात है, लेकिन हमारे नज़दीक चूँकि ये हकीकी तस्वीर नहीं है, हम इसकी इजाज़त देते हैं, और इस पर अगर कोई माशाल्लाह लिख भी देता है तो इसमें शरण कोई हर्ज नहीं है। बस ये है कि पिक्चर जायज़ होनी चाहिए, कोई गंदी गलीज़ पिक्चर ना हो कि उसके ऊपर माशाल्लाह कहें तो हुक्म शरा दूसरा हो सकता है कि इसमें बदतमीज़ी और बेअदबी का पहलू है, लेकिन आम जैसे तस्वीरें लोग अपनी लगा लेते हैं उस पर माशाल्लाह कहने में कोई हर्ज हमारे नज़दीक नहीं है। एक भाई ने क्वेश्चन किया कि कुर्बानी के लिए इन्होंने 30,000 रुपये दो कुर्बानी के लिए मुख्तस करके रखे थे, लेकिन कम में कुर्बानी आ गई, कुछ रकम बच गई, उसका क्या किया जाए? देखें, ज़कात जो होती है ना, जैसे हम निकालते हैं कि भाई ये 30,000 ज़कात बनी, 50,000 और हमने थोड़ी सी दे दी, तो चूंकि बकिया माल भी माल ज़कात है, उसको तो बाद में अदा करना ही है, वो अपने ज़ाती मसरफ में लाएँ ना लाएँ, क्योंकि वो ज़कात के लिए ख़ास हैं, ज़कात आपने निकाली थी। लेकिन कुर्बानी का ऐसा मसला नहीं है, कुर्बानी के लिए अगर आपने कुछ रकम मुख्तस की थी तो आपके ख़ास करने से वो शरई एतबार से ऐसी ख़ास नहीं हो गई कि अब कुर्बानी के अंदर ही इस्तेमाल होगी, उसके अलावा नहीं होगी, लिहाजा जो बच गया वो आपका ज़ाती पैसा है, उसको आप जिस तरह चाहे इस्तेमाल करें। अभी इन्होंने मज़ीद ये कहा कि लॉकडाउन में हमारे किरायादार जो थे उनका काम वगैरह नहीं था, तो वो किराया अदा नहीं कर सके, तो क्या हम उसकी मद में उसको रख सकते हैं? तो बिल्कुल रख सकते हैं, ये तो आपका पैसा है, आप चाहें तो ये, यानी ये नहीं होगा कि आपने किराएदार के किराए के तौर पर रख लिया, क्योंकि तो आप ही का पैसा है, बल्कि यूँ कहा जाएगा कि ये 2 महीने का या 1 महीने का आपने किराया उनको मुआफ़ कर दिया, ये रकम जो है आपके लिए बिल्कुल जायज़ है। हाँ, अगर इस्तेमाल जायज़ ना होता फिर आप ये सोचते चलो किराए की मद में हम रख लें, फिर उसका हुक्म शरा कुछ और हम बताते हैं आपको, लेकिन अभी तो ये आप ही का पैसा है, कुर्बानी के लिए ख़ास किए गए पैसों में से रकम में से कुछ बच जाए तो वो कुर्बानी के साथ ख़ास नहीं कहलाएगी, वो आपका ज़ाती पैसा जैसे चाहे इस्तेमाल कर लें।